Are you ready? Are you ready? गई माल आ गया आ गया आ गया। कल रात को तो हम सो गए थे, बहुत क्या था जो अर्थ मिला वही करा लिया हमने। ये देखिए हमारा होटल है, ये देखिए यहाँ पे टेबल, यहाँ पे हमने कपड़े वपड़े रखे, वहाँ पे टेलीफोन एंड चार्जिंग पॉइंट। इनता भी रेडी हो चुकी है, हाय बोलो इनता। क्या रे भीख मंगया, क्या देख रहा है? चुपती चलती गर्मी का मौसम आया, चुपती चलती खमोरियां लाया। अब हम निकल रहे हैं, बहुत देर के लिए आज आखिरी दिन बचा है हमारे पास घूमने का। ये अब हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। उसका फोन भी मेरे पास पड़ा ऊपर से। आ गई आ गई आ गई, दिखे विंता आते हुए। हेलो पीटर, अब हम जा रहे हैं जुवाई की तरफ। यहाँ है पीपी फॉल्स, पीएचई वाला पीपी इंग्लिश। वहाँ जाके हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है जो हम विजिट करने वाले हैं, फिर कल है हमारी फ्लाइट गुवाहाटी से दिल्ली के लिए। गाइस अब हम आ चुके हैं जुवाई में, और मतलब मैंने आपको शायद तक रास्ता दिखाया नहीं, रास्ता बहुत लंबा सा था, रास्ता अच्छा था, और ये बहुत डेवलप्ड है, अर्बन एरिया है, मान लीजिए जैसे शिलोंग है वैसा ही कुछ लग रहा है हमें यहाँ पे आके। बहुत सही लग रहा है, हमको भी चप्पल ले दिया। मार्केट में रुकने की कोशिश कर रहे थे पर वहाँ पे चार पांच लोकल्स ने ही टोक दिया और बोला आप राइट टर्न नहीं ले सकते, तो आपको फाइन भरना पड़ेगा 500 रुपए का फाइन। फाइन हो नहीं हो पर माथा फोड़ी मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं बोला कोई बात नहीं, चप्पल हम ले लेंगे दिल्ली से, क्योंकि ये भी दिल्ली से ही लाते होंगे मेरे हिसाब से। रास्ते में आपको इस तरीके से ब्यूटीफुल से वाटरफॉल्स दिखेंगे। इधर भी यही सेम रूट है जो आपको डॉकी की तरफ ले जाता है। अगर आपको डॉकी डायरेक्ट जाना है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप इसी रूट से जाएं, क्योंकि उस साइड का रास्ता बहुत खराब है। ये है हम जोवाई साइड से आए हैं, हम रोड बहुत अच्छा ही है। फॉल्स की तरफ पहुंच ही चुके हैं, 40 किलोमीटर आगे डॉकी, अभी भी काफी अच्छा रास्ता था, देख ले तू। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू पीपी फॉल्स, रिजॉर्ट भी है और पीपी फॉल भी है, तो हम यहीं पे ही जाने वाले हैं अब। चलो भाई, कदम के नीचे छिलका आया, लाला जी के रे धड़ाम। गाइस हम आ चुके हैं, बेटा थोड़ा सा तो ध्यान रखो, लगी तो नहीं है, दिल पे लगी होगी ना। हम आ चुके हैं पीपी फॉल्स के रास्ते पे, और हमने कार दूरी पार कर दी क्योंकि हमको अब लग नहीं रहा था आगे ऐसी कार को ले जाना चाहिए। देखो हमने रिवर क्रॉसिंग की है, लोग लद्दाख में जाके करते हैं, हम यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं। काफी ब्यूटीफुल, पर आई विश थोड़े लोग होते, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता हमारा। यहाँ पे कोई मुझे दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं। पीपी फॉल एक्सप्लोर करते करते हम कहाँ पहुँच चुके हैं। A few inches later, थोड़ा जान में जान आई, यहाँ हमको फाइनली कुछ टूरिस्ट दिखे है ना, टूरिस्ट ही ना। यहाँ बाइक्स भी खड़ी है, विंता सिडियो से आ रही है, सिडिया है ही नहीं जबकि। तो हम पहुँच चुके हैं पीपी फॉल्स पर, वहाँ पे लोग बैठे हैं, एक ही कार रही है ओवरऑल, और लोग तो दिख नहीं रहे। देख लो भाई इतना, 1 2 3 आ गई बस। देखो पैर साफ करने हो तो यहाँ पे कर दो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आजा, लगता ही नहीं तुम मुझसे प्यार करता। क्या बोल रही है? मुझे नहीं लगता तुम मुझसे प्यार करता, तुम मुझे। मैं आगे आगे चल रहा हूँ, एक तो चीजें देखने और रुकने के लिए, और मैडम का कहना है कि मुझे नहीं लगता तुम मुझसे प्यार करता। सिटी बनी हुई है, मजा आ गया। ओह देखो भाई, अब बता मजा आ रहा है क्या? देखो नहीं, भाई मेरा तो यही रिकमेंडेशन है, अगर आप पीपी फॉल आ रहे हैं तो कोई बड़ी कार आई है या सुमो बुक करा लीजिए, लोगों के साथ आइए यहाँ पे। मुझे तो यहाँ पे फिलहाल टूरिस्ट नहीं दिख रहे हैं, ऑल्दो मैंने जिनसे ही पूछा है अभी तक बात करके, लेडीज ही बैठी थी ऊपर भी, वो बोले सेफ है, तो हम वही मान के चल रहे हैं। पास आते जा रहे हैं हम फॉल के, इंटरेस्टिंग तो है पर वही है, डर तो लगता है। लकीली हमारी पास लास्ट है, इसके बाद हम कोई एडवेंचर नहीं करने वाले हैं ना। विनीता भी भाई बहुत कोऑपरेट है, कोऑपरेट कर रही है इस बार, तो बढ़िया भागते हुए आ रही है, रुकी नहीं रही है, धक्के दे रही है पीछे आगे। बीच में बैठने का भी है, इनके साथ थक जाओ। शक्ल वैसी बना रही है, चाय पीती है वैसी शक्ल बना रही है। बस पहुंच गए ना, तो अब हम बहुत पास पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के, ये देखिए इतना पास हम किसी भी इतने बड़े वाटरफॉल के तो नहीं पहुंचे। बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है मेरे को ये, बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है मेरे को ये। देखो फाइनली विनीता पीपी फॉल तक आ चुकी है, और मेरे को लेके आई नीचे तक, इतना डर लग रहा था मुझे। दे दे
आ रही है मस्त। कितनी खुश हो रही है यहाँ पे गाली देने वाली थोड़ी देर मेरे को। बहुत ठंडक है यहाँ पे और पहली बात तो आज पानी की ज्यादा लोग नहीं यहाँ पे। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Mago, chalo, dekh liya BP. Chalo, Guwahati chalo. और यहाँ हम BP Falls के पास से वापस ऊपर जा रहे हैं। बस पास में खड़े होने से हम पूरे दोनों गीले हो चुके हैं, इतना तेज फ्लो है पानी का यहाँ, मतलब जो भी बूंदा पानी हो रही है उसका। थोड़े बहुत थके हैं, भागो लोग नहीं है भाई, भागो बाकी। हाँ साइंस तो है कि यहाँ पे लोग आते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी हैं। दिखाता हूँ मैं आपको चीज़ें बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। आने लायक तो था पर डरावना बहुत है भाई, उतरना तो बहुत ईजी था, करने में हालत ख़राब हो रही है। बीपी फॉल्स देखा है पर हालत देखो, फेफड़े बाहर आ गए बीपी फॉल्स के चक्कर में। पर इसलिए जरूरी है, सही जगह बनी है बिल्कुल, यहाँ पे आके थकता है इंसान। जल्दी से कार की तरफ जाएंगे और रास्ते में निकलेंगे गुवाहाटी की तरफ। तो इंसान बता रही है दूसरा रास्ता भी यहाँ पे बीपी फॉल्स पहुँचने का, बोल रहे यहाँ से एक बार फिसल जाओ सीधा नीचे पहुँचोगे। भाई हम तो नीचे से आ गए ऊपर तक, पर अब देखा जाए तो अब कुछ टूरिस्ट उधर खड़े हैं शायद, ये देखो दिख रहा है, ये भी आएंगे यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो पता पड़ेगा इनको। ये लो पीपी फॉल स्टार्ट, यहाँ से हुआ था हमारा, स्टार्टिंग में कैंटीन थी और वहाँ है पीपी फॉल। अगर आप आ रहे हो ऊपर तक तो एक बात याद रखना, आप ग्लूकोन डी या ओआरएस तो नहीं लो मेरी तरफ से, और मानसून के महीने में पीपी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो तेज है। देख रहे हो तो आ जाओ, पर जो होता है ना पानी के अंदर लोग बैठ के इंजॉय करते वो पॉसिबल नहीं है अभी। हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग में पानी था जरोखा रिवर, क्या बोलता है इसको, रिवर क्रॉसिंग किया हमने वापस, और कुछ लोग मिले हमको, उनको हमने बताया आगे कैसा है। यहाँ पे शायद ऐसा ही होता है यार, काश अंदर साथ में होता समझी, अगर अपन साथ में होते ना इनके तो अपन भी नीचे रुकते थोड़ी देर। हाँ ये भी नहीं रुकेंगे, सही बात है। तो भाई हमने तो कार आपको बताई है बहुत दूर पार्क की थी, तो ऊपर दो बाइक्स खड़ी थी मैंने आपको दिखा था ना, उनको हमने कह दिया था प्लीज़ हमारे लिए रुक जाना, हम थोड़ा देख के आते हैं। उन्होंने फिलहाल तो हाँ कहा था और हमने बोला ट्रिपल ट्रिपल कर लेंगे थोड़ा, अगर वो रुके होंगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि भैया हमको इतना चलना पड़ेगा, 15-20 मिनट हमारे ख़राब होंगे, इससे अच्छा हम भाग भाग के पहुँचेंगे और उसके बाद हमको गुवाहाटी के लिए निकलना है। भाई हम तो वापस बादलों के बीच आ गए ना चाहते हुए भी इस बार तो, और उन बाइक वालों को रोका था वो इतने आराम से चले गए। हम बहुत हद तक कार के पास पहुँच चुके हैं, देखो ये कार खड़ी है हमारी। यहाँ पे कार ड्राइव करना मतलब 4x4 हो तो ही लाओ, 4x4 समझती बंदा, 4x4 जिसके चारों टायर में पावर होती है, अपने सिर्फ दो टायर में, नॉर्मल कार में सिर्फ दो टायर में होती है आगे के दो टायरों में। तो मेरी बेइज्जती कर रहा है? नहीं जनरल नॉलेज ठीक है, काट दूंगा ये वाला सीन, आप गाइस देखना मत। अब हम रिवर क्रॉसिंग करने वाले हैं मस्त सी, ओहो मजा आ रहा है, सुसु करने का मन कर रहा है। तो मैडम यहाँ पे कपड़े धोना चालू कर चुकी है अपने, यहाँ के लोकल्स की तरह बिल्कुल बिल्कुल लोकल हो चुकी है। This was all about people. Back to our car.